गुड मॉर्निंग बच्चे, नॉलेज विद घनु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आप लोगों के सामने है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये आपको डेली लाइफ में मैथ की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। इसको आपको जब तक पढ़ाई करेंगे, जब तक आपको याद रखना ही पड़ेगा कैसे भी। तो बच्चे, आज आप लोगों को मैं दो ट्रिक्स दूंगा कैसे इसको याद करेंगे। दोनों ट्रिक्स बहुत ही इजी है। एक ट्रिक्स अगर आप सीख लिए तो निकालने में 10 सेकंड लगेंगे टाइम, दूसरा भी सीख लिए तो उसके थ्रू भी आप 10 सेकंड में ही कोई भी किसी का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकंड। ओनली सीखने का देरी है। सो प्लीज़ बच्चे, आप ध्यान से इसको कंटिन्यू कीजिए और एक हाथ में अपने पेन और नोटबुक ले लीजिए। मैं क्योंकि समझाऊंगा ओनली, ऑलरेडी जो मेहनत करना था मैं कर चुका हूं, और आप एक बार लिखिए मेरे साथ साथ, आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए अपने बुक में, और उसी के साथ फिर उसे डबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं उसी के साथ आपका 100% याद हो जानी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपका और पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 टर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, जो पूरी आपको यूज होने वाली है। और बेसिकली जो 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू का, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बच्चे, बिना देर किए हुए चलिए अब दूसरे पेज में स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लीजिए आप, और बिल्कुल ही सेम जैसे बनाया हुआ है इस टाइप से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और बाई हैंड सेम टाइम आप सोल्व करते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। ओनली मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, और एक रफ थोड़ी सी एक पेज ले लीजिए, उसमें आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्रूफ के साथ। देखिए दोस्तों, ये एंगल है लिखा हुआ है, एंगल में हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद नीचे है साइन अल्फा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, ऐसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद जो देखिए एक रेड पेन से ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक लाइन में आप स्टार्ट कीजिए ऊपर से लिखना 0 डिग्री के नीचे 0 लिख दीजिए, 0 से लेकर 4 तक लिखिए आप, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है ना, जो 30 के नीचे 1 है, 2 है, 3 है, 60 के नीचे, 90 के नीचे 4 है, लिख लिए 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद सारे को बाई में मनीस बता में 4 लिखिए, सारे के नीचे 4 लिख लिए, और ओवर रूट कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए सारे जितने भी है ना, पाँचों का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को अंडर रूट कर दीजिए सारे को। तो बच्चे, अंडर रूट करते ही अब सोल्व करेंगे साइन ए का मान, मीन्स साइन थीटा का बोल सकते हैं आप लोग, साइन ए भी बोल सकते हैं, जो भी आपको रखना है उस एक जगह पे रख के और बोल सकते हैं। अब निकालेंगे मल्ली जो ट्रिक लिखा हुआ है उस लाइन को आप सोल्व कीजिए, और साइन ए लिखा हुआ है साइन ए में आप पूरे के पूरे उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो चलिए सोल्व करते हैं। पेन से लिखिए, रूट ऊपर 0/4 है तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो बच्चों देखिए, अगर रूट 0 अलग अलग कर लें और रूट 4 कर दें तो कितना आ जाएगा, 0/√4 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा एक 2 और एक रूट के साथ, तो आपका 2 बचेगा, 0/2 बचेगा। तो करने का मतलब 0 से 2 में भाग देंगे तो 0/2 को, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो उसके नीचे लिख लीजिए सेम 30 डिग्री, देखिए कैसे निकालेंगे, क्या है √1/4 है तो रूट अलग अलग कर लीजिए। सो लिख लीजिए √1/√4, तो क्या हो जाएगा, √1 का आंसर आएगा 1, और नीचे में √4 का आ जाएगा 2, सो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/2। फिर 45 डिग्री को देखिए सेम क्या है, √√2/4 है तो √2, फिर √4 कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोनों में √√ कैंसिल अगर कर देंगे तो दोनों 2/4, एक आपका √2 का वैल्यू हो जाए, √2 का वैल्यू हो जाएगा 1, और उसके बाद आपका जो √4 बचेगा उसका √4 में ही मीन्स 2 लिखेंगे, कहने का मतलब जो आपका √2 है उसको नीचे में आ जाएगा आपका 2, सो इसको आपको डेसिमलाइज करना पड़ेगा, कहने का मतलब आंसर आएगा इसका √2/2 इंटू √2 ऊपर में है, सेम टर्म है नीचे में, तो इसको क्या करना पड़ेगा इंटू देकर √2/√2, कहने का मतलब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से √2 से इंटू कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 1/√2। सोल्व कर लीजिएगा, कॉपी में देखिए आपको पता चल जाएगा।
सेम देखिए रूट थ्री बाई फोर है, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर का रूट कितना हो जाएगा टू बज जाएगा, सो रूट थ्री बाई टू आंसर आ जाएगा उसका। सेम आपका देखिए रूट अंदर फोर बाई फोर है, फोर बाई फोर कैंसिल हो गया, वन का रूट क्या होता है वन ही होगा, सो वन वहाँ लिख दिए। तो बच्चे आप अभी अपने कॉपी पे ध्यान दीजिए, जो भी साइन का वैल्यू आया है आपको कॉपी में जीरो से लेकर 90 डिग्री का निकाले हैं अभी जो आप प्रूफ किए हैं, उसको आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए, वो आपका कोस का वैल्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिए साइन 90 का कितना वैल्यू था वन, तो कोस जीरो डिग्री में आ जाएगा। फिर रूट थ्री बाई टू कितना में आ जाएगा 30 डिग्री में आ जाएगा। फिर 45 का तो सेम ही रह जाएगा, उसके 30 डिग्री इधर की तक क्या आ जाएगा आपका, तो साइन 30 डिग्री का जो भी वैल्यू हो आपका कोस 60 डिग्री में आ जाएगा। सो देख लीजिए आप। हाँ बच्चे आप देखिए, आप टेन ए का मान निकालेंगे हम लोग है ना, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक। तो कल का एक मैंने क्लास जो लिया था फॉर्मूला का ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपको बताया था टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है बताइए, साइन ए बाई कोस ए। सो फॉर्मूला निकाल दीजिए, आपका सामने है टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू साइन बाई कोस ए। सो जीरो बाई वन, जीरो बाई वन किसी भी चीज़ को अगर जीरो से हम भाग देते हैं तो उसका क्या होता है वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, माने नॉट डिफाइंड होता है ना। सो इसका अगर जीरो से जीरो बाई वन में वो करेंगे सॉल्व करेंगे इसको तो इनफाइनाइट आ जाएगा आंसर। इसका कहने के मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जिसको आप नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं टर्म में। उसके बाद देखिए टेन का फिर 30 डिग्री में देखिए साइन और कोस को डिवाइड कर दीजिए, वन बाई टू इंटू दे दीजिएगा और यहीं पे चेंज कर लीजिएगा, डिवाइड करना है ना तो टू ऊपर चला जाएगा रूट थ्री आ जाएगा नीचे में, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा वन बाई रूट थ्री बच जाएगा। सो 30 का डिग्री ऐसे कर लीजिएगा आप, सेम टाइम 45 का निकल जाएगा, 60 का निकल जाएगा और 90 का निकल जाएगा। उसके बाद देखिए हाँ कल पिछली चैप्टर में मैंने बताया था फॉर्मूलास में, पिछली क्लास जो आप लोग का फॉर्मूला का क्लास लिया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो बस जो साइन का वैल्यू है वो अपना कोसेक में उल्टा कर दीजिए, ओनली जीरो है उसको उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। फिर 30 डिग्री है तो वन बाई टू है तो उसको क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ओनली, टू बाई वन। तो बच्चे आप फटाफट उल्टा सारे का उल्टा करके और अपने नोटबुक में लिख लीजिए, देख लीजिए ट्रिक, और आपका ए अच्छे से याद हो गया होगा है ना, उल्टा लिख लेंगे ना। अगर प्रॉब्लम आती है कि हाँ सर समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट में कीजिएगा कि हाँ समझ में नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से स्कोर समझाऊंगा। दूसरे क्यों, अभी साथ में एक और टॉपिक बाकी है आपका जो सेकेंड ट्रिक है, उसको आप जैसे ही सीखेंगे वो भी पानी की तरह सिखाऊंगा अभी आपको, जैसे सीख लिए सेम टाइम खैर इसको तो ये अगर भूल गए तो और याद है तो भी 100% आपको, वो ऐसा ट्रिक्स है ना बच्चे कि आप एक बार याद करने के बाद फिर भूल ही नहीं पाओगे, चाह के भी भूल नहीं पाओगे पूरी लाइफ की लाइफ। तो बच्चे अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं, कहने का मतलब दूसरे ट्रिक्स में, जो आपको सामने दृश्य दिख रहा है ओनली इसी का कमाल है, ये आपके पास हमेशा रहेगा, जिसको पंजा बोलते हैं हाथ अपना फिंगर है वो आपको लाइफ टाइम आपके साथ रखना है। बस इसी का यूज करके अभी बताऊंगा आपको टोटल के टोटल जितने भी वैल्यू है साइन कोस टेन का सारे का वैल्यू आप निकाल लेने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। सो बच्चे देखिए आप लोग, तो चलिए बच्चे अब साइन थीटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी में उसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है देखिए इसी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ आपका, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर फिगर बिलो बाई टू, फिंगर बिलो बाई टू, और फिंगर के सामने आप वैल्यू लिख लीजिए अपना, जैसे लिटिल फिंगर जो सबसे छोटा फिंगर है हम लोग को उसको लिटिल फिंगर बोलते हैं। तो कहने का मतलब जीरो वैल्यू से स्टार्ट कीजिए, जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक लिख लीजिए ठीक है। और फिंगर बिलो का क्या चक्कर है देखिए बच्चे, फिंगर बिलो मीन्स जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसके नीचे कितना उंगली है आपका, बस वही उसमें लिखना है रूट के अंदर में, और कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई साइंस बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। देखिए आप लोग जैसे रूट ओवर फिंगर बिलो बाई टू, तो हम लोग साइन जीरो का चलिए मान निकालते हैं, मीन्स लिटिल फिंगर का, तो रूट फिंगर बिलो उसके नीचे कितने उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, तो क्या हो जाएगा रूट जीरो बाई टू का तो ऑलरेडी टू है इसमें। तो बच्चे देखिए सोल्व कीजिए, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो, सेम आप अभी सोल्व करेंगे कितना साइन 30 डिग्री का, तो बताइए अपने आप खुद एक सोल्व करके दिखाइए मेरे को कि कितना आप आ रहा है
मीन्स साइन 30 डिग्री, जो आपका फोर फिंगर है उसमें आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री, उसके नीचे कितने उंगली है, फिंगर बिलो, उसके नीचे 30 डिग्री के नीचे कितने उंगली है, आपका एक है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट कितना है 1/2 आ जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री में क्या है, तो रूट 1 का वैल्यू आप लोग को पता है, सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का निकाल लीजिए आप, कितने उंगली नीचे है, रूट 2 उंगली नीचे है, तो रूट 2/2। फिर रेशनलाइज इसको कर लेंगे आप, तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। सेम साइन 30 डिग्री का, 60 डिग्री का देखिए क्या हो जाएगा, कितने उंगली नीचे है, फिंगर बिलो, मीन्स रूट कितने नीचे है, 60 डिग्री का, 1, 2, 3, 3 उंगली है, तो 3 लिख दीजिए उसमें, रूट उसके बाद नीचे में बाई में 2 है लिख दीजिए, इसको आपको रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टर्म अलग अलग है, तो रूट 3/2 आंसर आ गया 60 का। उसके बाद साइन 90 डिग्री निकाल लीजिए, नीचे में कितने उंगली है, 4 उंगली है, सो रूट 4/2, जिसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2/2 = 1। बच्चे देखिए कितना ही ईजी था, बहुत ही सिंपल तरीका से, आपको हार्ड लग रहा होगा अभी, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आप मुझे नहीं पूछेंगे कि क्या करना है सर। अभी देखो सेम कोस थीटा का निकालना है आपको, उसमें क्या था कि आपका फिंगर बिलो था, इसमें क्या है फिंगर अबव, करने का मतलब जो आपका 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे ऊपर में कितना उंगली है, वही रूट के अंदर में उंगली काउंट करके डाल देना है, बाई में 2 कर देना है, यही है बस। सो स्टार्ट करते हैं, चले देखिए निकालिए आप वैल्यू, निकालिए खुद से आप कोस 0 डिग्री का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 उंगली है ना। सो आप लोगों को दिखाते हैं क्या हुआ, दिखा रहा हूँ, तो देखिए कोस 0 डिग्री का निकाल लीजिए, कितना है उंगली आपका, जो सबसे लिटिल फिंगर है उसका उंगली कितना हो गया, 4 है ऊपर में, मीन्स फिंगर एबोव, उसके ऊपर में 4 उंगली है, तो रूट 4/2 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे आप, 2/2 = 1। देखिए अब मैं अच्छे से उसको सोल्व करके दिखा दिया हूँ, नेक्स्ट वाले सब आप खुद करेंगे क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ना। सेम 30 डिग्री देखिए, कोस 30 डिग्री का कितना है, ऊपर में उंगली कितना है, 30 डिग्री का, 1, 2, 3, तो रूट 3/2, नीचे में ऑलरेडी 2 है ही, है ना। देखिए बेटा आप समझिए, अच्छे से समझिए, बिल्कुल ही पानी है, आप कहीं भी रहेंगे उंगली पे ही काउंट करके अपना निकाल लेंगे, कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। सेम 45 डिग्री का देखिए, 45 डिग्री कितने ऊपर में है, उंगली 2 है, तो रूट 2/2, मीन्स रेशनलाइज कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। कोस 60 डिग्री का देखिए, रूट उंगली 1 है, तो बच्चे 60 डिग्री का निकल गया। फिर 90 डिग्री का सेम निकाल लीजिए, अब बिल्कुल ही पानी है, कुछ नहीं है। अब देखिए अब आप 10 थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। 10 थीटा का आपको पता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, जैसे था अगर जो हम साइन थीटा में लिखे थे फॉर्मूला, वही अब साइन थीटा कोस थीटा के जगह पर डाल के भी निकाल देंगे ना, तो लिखा हुआ है यहाँ पे वही वैल्यू आने वाली है। सो क्या है इसका फॉर्मूला, 10 थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर बिलो बाई फिंगर एबव, ओनली इतना याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। सो चलिए निकालते हैं अब 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है ना। 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 10 0 डिग्री कितना आएगा, तो आप बताइए कितना आएगा, फिंगर बिलो, 0 डिग्री का नीचे में कुछ है, 0 डिग्री के नीचे में तो कुछ नहीं है, सो रूट 100 / 0/2, उसके ऊपर में कितनी उंगली है, फिंगर अबव, सबसे नीचे वाले के काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, सो रूट 4, वाओ आंसर आ गया 0, 0/4 कितना हो जाएगा, 0/2 आंसर आ जाएगा आपका 0। सेम 10 30 का निकालिए, सो क्या है, रूट अंडर फिंगर बिलो, 30 के नीचे कितनी उंगली है, 1 उंगली है, तो कितना आ जाएगा, रूट 1/2, ऊपर में कितना है, 3, रूट 3, सो 1/3 आंसर। 45 का सेम, रूट 2/√2 आंसर 1/6। बच्चे 60 का निकाल लीजिए और 90 का निकाल लीजिए। हाँ अब साइन कोस 10 आप निकाल चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं हाथों से ही ओनली, अब बताइए सेक कोट और कोसेक को बताने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, आप लोग खुद से निकाल लीजिए और लिख लीजिए। हाँ इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे फ़ोन नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉल कीजिए कभी भी, जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चे, या तो आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छे से बना के देंगे और समझाएंगे। और आप मेहनत ज़रूर कीजिए, एक बार बच्चे अगर मेहनत कर लिए ना जैसे मैं बताया हूँ, फिर आप लाइफ टाइम कभी भूलने वाले नहीं हैं, पर एक बार आपको ज़रूर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोर्ड का आयोजन नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि बोर्ड पर पढ़ा देने से आप लोग करते हो, देख लेते हो, सुन लेते हो, फिर भूल जाते हो, और वही अपने बाई हैंड से प्रैक्टिस कर लेंगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।